बेन स्टोक्स ने जिस तरह फ्लड रिलीफ के लिए अनाउंस किया, लाला अगर आप उस सिलसिले में कुछ कहना चाहें तो। नहीं, मैं तो ऑलरेडी इसका मीडिया में कह चुका हूँ, ये बहुत एक वेलकम की है इंग्लैंड की टीम का, इतने अरसे बाद दोबारा पाकिस्तान आई है, और मुबारकबाद भी देना चाहूंगा पाकिस्तान बोर्ड को, गवर्नमेंट को भी कि इंग्लैंड की टीम आई है, और बड़ी इसलिए कि बहुत मिस कर रहे थे सवेरा हम उस क्रिकेट को, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी टीमें होके चली गई हैं, ऑस्ट्रेलिया भी थी लास्ट टाइम, अब ये आ गई इंशाल्लाह, न्यूजीलैंड पहले भी आई थी, अब दोबारा आएगी, तो ये वो मैसेज है जो दुनिया में जाता है कि भाई हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्रिकेट देखना चाहते हैं, हम अपने मुल्क में भी खेलना चाहते हैं, अपने मुल्क में भी देखना चाहते हैं, सिर्फ ये नहीं है कि हमने दुबई को अपना होम ग्राउंड बनाया हुआ है, तो आई मीन कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनके ख्वाब होते हैं कि यार हम पाकिस्तान में अपने क्राउड के सामने खेलें, परफॉर्म करें वहाँ पे, तो ये वो सारी चीजें हैं कि जो हम मिस कर रहे थे। बिल्कुल, डेफिनेटली मिस कर रहे थे, बट मैं उस मेजरली उस स्टेटमेंट पे बात कर रही हूँ, बेन स्टोक्स ने जो ये अनाउंस किया कि ये जो टेस्ट सीरीज़ है उसकी जितनी रेनुमरेशन बेन स्टोक्स को मिलेगी, जितनी मैच फीस उनको मिलेगी, वो सब पाकिस्तान फ्लड रिलीफ के लिए वो चैरिटी कर देंगे, डोनेट कर देंगे, उसके हवाले से अगर लाला, बिकॉज आपने बहुत काम किया है उसके लिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत, क्योंकि देखें ये तो चलता रहेगा, ये 15-20 साल लगेंगे दोबारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में, और जो हालात मैं देख के आया हूँ पूरे पाकिस्तान के फ्लड्स के हवाले से, लोगों के घर बार सब तबाह हो गए, कुछ है ही नहीं वहाँ पे लोगों के पास, अभी तक सिंध में पानी वहीं का वहीं है, पानी ही नहीं निकला, तो पानी निकलेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा, तो ये आगे बहुत लंबा काम है, 15-20 साल तक मेरे ख्याल में हमें इस चीज पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और बेन स्टोक्स की तरफ से जो जस्टिस था वो बहुत ही जबरदस्त रहा, मेरे ख्याल में हम जितना भी उसके अप्रिशिएट करें पूरी टीम को उनके, वो कम है।